नमस्कार, मैं किरण टाक राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से टेक्सटाइल डिज़ाइन विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। आज के ई लेक्चर के तहत हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल आर्ट एंड क्राफ्ट फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड 126 है, उसके फिफ्थ यूनिट में टेक्सटाइल एसेसरी में बैग बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक कपड़ा लेते हैं जिस साइज़ का हमें बैग बनाना है। यहाँ पर मैंने दो कलर की साटिन पट्टियों को यूज़ किया है। साटिन पट्टी आप हाफ इंच वाली यूज़ कर सकते हैं, 1/4 इंच वाली साटिन पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े के चारों तरफ स्केल की सहायता से मार्किंग की। आज एक एक इंच का मैंने सिलाई के लिए चारों तरफ से मार्किंग करके एक स्क्वायर बनाया। उसके बाद डार्क कलर की, पिंक कलर की जो मेरे पास साटिन पट्टी है, उसको मैंने वार्पिंग करके लगाया। ऑल पिन से इधर तक किया और लाइन के इधर तक किया। इस तरह से एक पिंक कलर का और दो वाइट कलर की साटिन पट्टी को लगाया। फिर वापस एक पिंक, फिर दो वाइट, एक पिंक दो वाइट करके मैंने पूरे वार्पिंग को तैयार किया। बाद में मैंने इसमें ट्विल वीव को बनाया है। ट्विल वीव के लिए मैंने 1 अप 2 डाउन रखा है, यानी कि यहाँ पर मैंने डार्क कलर सबसे पहले इंसर्ट किया, तो ये 1 अप 2 डाउन, 1 अप 2 डाउन करके इस पिक को इंसर्ट किया। बाद में इस वाइट कलर को इंसर्ट करेंगे तो ये वाला पिक हमारा 1 अप होगा और ये 2 डाउन होगा। थर्ड वाइट कलर वापस डालेंगे थर्ड लाइन में तो ये 1 अप होगा, फिर ये 2 डाउन होगा, यानी कि ये 3 लाइन में हमारा 12 वेव कंप्लीट करके हम इस पूरे में कपड़े में 12 वेव को डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 12 वेव पूरी होने के पश्चात हम एक्स्ट्रा वेब थ्रेड के द्वारा हम फ्लावर्स को बनाएंगे। इसके लिए हम, जब हमारा पूरा 12 वे बन जाता है तो यहाँ पर एक जेड बनता है। ये देखिए, ये जेड शेप में एक डिज़ाइन बनता है यहाँ पे। तो जहाँ से हमें जेड दिखाई शुरू देना शुरू कर दें, वहाँ से हम पिन के द्वारा पिक को इंसर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी हम दो पिक तो लाइट यानी कि वाइट कलर से डालेंगे और एक पिक डार्क कलर का डालेंगे। यहाँ आप देखिए, ये जेड है, जस्ट इसके पास में जेड बनता है, इसके सहारे सहारे आप चलते रहिए। और पिन से यहाँ पे टक करेंगे इसको। ये देखिए, इसके पास में ये जेड बन रहा है। अब हमारी डार्क कलर डालने की बारी है। इस तरह हमारे पास
डार्क कलर में लाइट कलर के यानी कि वाइट कलर के फ्लावर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इन फ्लावर्स के ऊपर हम कुंदन लगा सकते हैं। बाद में इन फ्लावर्स को बाद में इससे हम कच्चे टांके के द्वारा यहाँ से सिलाई करके इन ऑल पिंस को फ्री कर देते हैं, ताकि जब हम मशीन के द्वारा पक्की सिलाई करेंगे तो ये ऑल पिंस नीडल्स को नहीं तोड़े। इन ऑल पिंस को फ्री करते जाएंगे। इस तरह हमारा बैग का एक बेस बनकर तैयार हो जाता है। इसके बैक साइड में हम वेलवेट मखमल आदि लगा भी सकते हैं और बैग को सिल सकते हैं। बैग को हम पोटली के शेप में सिल सकते हैं, इस टाइप के हैंडल लगा सकते हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे आसानी से, इस टाइप से भी सिल सकते हैं। इन बैग में मैंने 1/4 इंच की साटिन पट्टी को यूज़ किया है। आपके पास कोई भी बैंगल्स अवेलेबल हो तो बैंगल्स पर ये साटन पट्टी बना लगा कर हैंडल बना लीजिए। आप डिफरेंट कलर्स की साटन पट्टियों को यूज़ करके भी आप बैग बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से हम एक बहुत ही खूबसूरत बैग तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।